भिरा रोड के इलाके की रिहायशी 13 साला नविदा को 17 अक्टूबर को मुसल अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करते हुए अगवा कर लिया और वह शैन तशद्दुद और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को रिपोर्ट की गई जिस पर लड़की को बाजियाब करके अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने ज्यादती की तस्दीक की। नविदा का कहना है कि दो वकला भाइयों समेत मुलजमान के खिलाफ खातिरखवाह कार्रवाई नहीं की गई। मुलजमान ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। गन्ने के फसल में ले गए, फिर ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, फिर बार बार मेरे साथ ज्यादती की उन्होंने। नविदा के वालदेन का कहना है कि बासर मुलजमान न सिर्फ इलाके में खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि उन्हें धमकियां दे रहे हैं जिससे वो अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारे से जुल्म हुआ है, हमारा इंसाफ हो जाए। गिरफ्तार नहीं है, वो घूम रहे हैं, हमारे को धमकियां देते हैं तो तेरे को मार देंगे। पुलिस का कहना कि नविदा पर तशद्दुद और ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 2 मुलजमान ने कबल इस गिरफ्तारी जमानत करा ली है। रूपोष मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नविदा कलड़ो को हमने जो है 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब कराया है। उसका हमने जो है मेडिकल चेकअप कराया, उसमें हमने 3 जवाबदारों को अरेस्ट किया है। नविदा के गरीब वालदेन इंसाफ के लिए मुख्तलिफ दरवाजे खटखटा चुके हैं लेकिन आला हकाम ने उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए इकदाम नहीं किए। नविदा के वालदेन का कहना है कि शहरों की इज्जत और जान का तहफ़ फराम करने की दावेदार हुकूमत उन्हें इंसाफ फराम करे और बासर मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। जायद राज पर समा नुशर फरोज।